Incessant rainfall in Assam's Dimapur South district has caused large-scale devastation across the Hill District. One such affected region is the Deonbra subdivision. Although the flood water seems to be receding in the area now, but the plight of the people still continues. And as per reports, the house and the belongings of the residents were completely damaged by floods. The villages that have been badly affected are Rengirbil, Panglangso, Mongbo and Boro Wasseling. Meanwhile, villagers have appealed to the concerned authorities to look into their grievances. Our correspondent Swadip Hasamsa has a ground report. Let's take a look. Dimahasao ki baar ke karan Dimahata Deonbra ilaka jo hai puri pani ke andar dub gaya tha aur is waqt hum aaj Deonbra mein hum ye bhi dikhayenge ki is waqt log kaise karke apna jo hai reh rahe hain. दादा आपसे जानना चाहते हैं कि ये कब हुआ था, अभी अब लोग कैसे करके रह रहे हैं? अभी तो हम लोग रास्ता में रहता है और खाना पीना तो जो जो कुछ है हमारा मालिक थोड़ा मदद करता है. अच्छा. अभी अभी गुरु कैसे जिएगा, आदमी कैसे किया करेगा, इसलिए मैंने थोड़ा तकलीफ होता है. सरकार से कुछ खाने पीने का मदद दिया आप लोग को? थोड़ा मिला है, चावल 5 kg मिला है. तो लंका से देता है, दिया लंका से दिया है. लेकिन अभी चावल ऐसा कुछ नहीं मिला ना. कितना दिन हो गया आप लोग? अभी 4 दिन हो गया. 4 दिन हो गया. अब इसी ट्रैक्टर में रहते हैं? हाँ, ट्रैक्टर में रहता है. पानी का आगे से पानी तो जो डूब गया वहाँ से चला गया हम लोग. अच्छा. सामान छोड़ करके दान चावल जितना है समूचा घर में रह गया. हम लोग खाली गोरु और आदमी लोग लेकर के चला गया. घर में रहने का हालत नहीं है, रहने नहीं सकेगा जी. बिल्कुल, वही दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर जो पानी के वजह से यहाँ का पूरा इलाका जो है डूब गया था और अभी लोग यहाँ पे रास्ता पर रह रहे हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरफ जो है धान का जो है वो सुखा के रखा है. कुछ यहाँ का गाँव वालों लोगों ने धान को एक सुखा के रखा है. और हम भी दिखाएंगे, हम और भी दिखाएंगे कि ग्राउंड जीरो में हम और भी दिखाएंगे कि हकीकत में अभी लोग कैसा रह रहे हैं और रिलीफ कैंप में लोग किस तरह सा आपने जो है वक्त गुजर रहा है. इस वक्त हम आ जाते हैं रेंजलबेल इलाका में और आपको हम दिखाने वाले हैं कि यहाँ का लोग किस तरह से रह रहे और साथ में यहाँ का घर जो है पूरा तरह ख़राब हो गया. और कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा हिमू, और एक तरफ देखना चाहेंगे कि ये जो है कैमरा में देख रहा होगा आपको बहुत सारा जो है यहाँ पे इलाका में जो है पूरा घर ख़राब हो गया है. कामरा से भी जानते हैं और यहाँ का जो सारा जो है एरिया में कितना तो घर खराब हुआ रहा. वैसे यहाँ करीब 43 ऐसे हो जाएगा. अच्छा. परसों रोज MLA मैम आया था. तो यहाँ को लोकल जो MSC और NGO उन लोग आया था, देखभाल किया. अभी जो हमारा गांव फोंगलांगसू में जितना भी घर है सबको कच्चा घर था. कच्चा घर पानी ढुकने को वजह से वो पानी जब कम किया सब ऐसे होकर के अभी मैंने सब पलटी मार दिया. महीना में 2 बार हो गया. 2 बार में अभी सबको मैंने घर तो ख़त्म ही हो गया. लेकिन अभी बनाएगा बोलने से भी हम लोग को ये उपाय नहीं है. बारी उसमें अभी गन्ना बोलिए, मक्का बोलिए, उसमें अभी कोई किसी से तामुल लगाया ऐसे था, वही सब भी सब पहुँच गया. अभी माने निरुपाय हो गया. हम लोग को यही माने अनुरोध है कि सरकार से जैसे कि हम लोग को घर बनाने के लिए थोड़ा मदद कर देने से. अभी कोई बिजली कुछ नहीं है तो ये भी असुविधा हो रहा है. अभी अंधेरे को अंधेरे में बैठ रहा हूँ. अभी जो हम लोग को बच्चा है, बच्चा लोगों को अभी जो देखिए अभी एग्ज़ाम आने वाला है तो अभी देखिए जितना भी किताब है पढ़ने वाला जो किताब है अभी एग्ज़ाम को समय अभी कैसे एग्ज़ाम देगा. अभी देखिए ये किताब यहीं पड़ा हुआ सुखाया है. आप लोग कहाँ में रहता है अभी? अभी हम लोग रिलीफ कैंप में. कितना आदमी है अभी? अरे सब मिला करके अभी सब जगह को मिला करके अभी 199 ऐसा होगा. जी बिल्कुल, ये है. ये था कि ये हम फिर से वही दिखाना था, वही दृश्य हम दिखाना चाहेंगे कि चाहता हूँ कि यह जो ये एक पूरे घर खराब हो गए जहाँ पर मॉडर्न बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है घर जो है खराब हो गया. उसके वजह से यहाँ का लोग जो है अभी रिलीफ के में फ़िलहाल ले रहे हैं. लेकिन वापस अगर घर भी पानी तो अभी सूख गया है लेकिन अभी भी मुश्किल रहना मुश्किल हो रहा है कि